तक ही जाना चाहिए। ये रोटी मेरे कृष्णा जी के लिए है, इसलिए मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, बैंगन का भरता नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑनियन होता है, गार्लिक होता है, तो मैं ऑनियन एंड गार्लिक का भोग नहीं लगाती हूँ। तो कृष्णा जी के लिए है ये रोटी, इसलिए इसमें घी जाएगा। ये राधा जी हैं और ये कृष्णा जी हैं। खाना जी के लिए है इसलिए गुड़ से। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, पर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स ने बोला सॉल्ट कि मक्का की रोटी में हम थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाते हैं, नहीं तो रोटी टूट जाती है, रोटी फूलती नहीं है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और मक्का की रोटी में मैं कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, मक्का की रोटी मतलब मक्का की ही आटा ओनली। इसका एक थोड़ा सा छोटा सा टिप से, जो पानी है वो मैंने गुनगुना किया है, थोड़ा सा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, आप उससे आटा गूंद के रोटी बनाइए, आपकी रोटी फूलेगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम प्लास्टिक लगा के रोटी बनाते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं, थोड़ा आटा मिक्स करते हैं तो भी रोटी नहीं बनती, रोटी टूट जाती है। तो नहीं भाई, मैं बिल्कुल जैसे गेहूँ की नॉर्मल रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाती हूँ और अच्छे से बनती है, फूलती है।
बस इसके लिए ये होता है कि आटा आपका अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। कोई मैं प्लास्टिक नहीं लगाती हूँ, हाथ से भी रोटी नहीं बनाती हूँ, बेलन से ही बनाती हूँ, जैसे अपन नॉर्मल बनाते हैं रोटी। हाँ, मक्का की रोटी का आटा बहुत जल्दी और बिना मेहनत के, एफर्ट के हो जाता है, इसलिए मैं इसको फूड प्रोसेसर में नहीं करती हूँ, हाथ से ही करती हूँ। ओनली 2 मिनट्स में आटा हो गया है। थोड़ा हम सेकने में थोड़ा ज़रूर इसको थोड़ा स्लो में सेकेंगे ताकि वो अच्छी सीखे, क्रिस्पी कड़क। अब चाहें जितनी पतली रोटी जैसे गेहूं की बनाते हैं वैसे बेल लीजिए और बना लीजिए। बहुत इजी है। थोड़ा सा पानी लगता है, फ्रेंड्स के लिए ही है जो बोलते हैं कि मक्का की रोटी नहीं बनती है,